हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो क्लास 12 का मैथमेटिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का जो बेसिक बात था, जहां पे हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस करे थे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करे थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन को करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज है 2.2 कह लें या इसके बाद जो मिसलेनियस एक्सरसाइज आएगा, वो CBSE के लिए भी इम्पोर्टेंट है और झारखंड बोर्ड के लिए या कोई भी स्टेट बोर्ड के लिए जहाँ पे भी NCERT को फॉलो किया जाता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर से क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, एक क्वेश्चन श्योर रहता है 3 मार्क्स का। क्लियर हो रहा है? तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से 2 क्वेश्चन आएगा। एक आएगा 1 मार्क्स का, जिसमें कि सिंपल वैल्यू फाइंड करना रहेगा, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, और एक आएगा प्रूफ करने का। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो प्रूफ करने का ही है। क्लियर? तो हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और एक एक करके आराम से सोल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है अपने पास ये है कि प्रूफ दैट 3 sin inverse x, क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 sin inverse x इक्वल टू sin inverse 3x माइनस 4x³। हमको ये प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट 3 sin inverse x इक्वल टू sin inverse 3x माइनस 4x³। एक्स बिलोंग्स टू -1/2 to 1/2। तो बेसिकली अपने को ये प्रूफ करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है ये अपना, इसको अगर प्रूफ करने का बात करें, हम लोग RHS लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको हम लोग प्रूफ करने का बात करें तो क्या आपको लग रहा है, यहाँ पे साइन इनवर्स है, किसी तरीके से इसके अंदर में किसी तरीके से ये जो ब्रैकेट का अंदर वाला पार्ट है इसको हम लोग साइन के टर्म में ले लाएं तो क्या हमारा कुछ काम बनेगा? कैसे? देखो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, मतलब कि इस क्वांटिटी को किसी तरीके से हमको साइन के टर्म में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आपको एक और फॉर्मूला याद आ रहा होगा, क्या वो फॉर्मूला है, sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। बोलो याद है ये, 3 sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि अगर x के जगह पे साइन थीटा रहता तो यहाँ पे भी sin³ थीटा हो ही जाता ना। x के जगह पे साइन थीटा रहता तो यहाँ पे 4 sin³ थीटा हो जाता और इस फॉर्मेट में आ जाता। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे x का वैल्यू कंसीडर करने का जरूरत है। अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर लें, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, तो इससे क्या हो जाएगा, RHS हम लोग ले रहे हैं, साइन इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin³थीटा। अब बात यह है कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin³थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin 3 थीटा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा sin inverse sin 3 थीटा। मतलब कि ये sin inverse sin 3 थीटा है तो ये क्या बचेगा यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है ना साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा 3 थीटा। लेकिन सुनो, यहाँ पे x इक्वल टू साइन थीटा हम लोग पुट करे थे तो क्या हम लोग यहाँ से थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x लिख सकते हैं? और अगर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x लिख सकते हैं तो क्या हम लोग 3 थीटा को 3 sin inverse x लिख सकते हैं? क्लियर है बात ये? और क्या यही LHS है? तो यही LHS है। हेंस ये प्रूफ हो गया कि साइन इनवर्स 3 sin inverse x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। इस क्वेश्चन के लिए आपको 2 बेसिक अंडरस्टैंडिंग का जरूरत था। एक तो आपको ये समझ में आना चाहिए था कि इस फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो ये लिंक भी नहीं करेगा कि यहाँ पे कुछ हो भी पाएगा। इसका मतलब ये होता है कि क्लास 11th का जितना भी बेसिक फॉर्मूला है, उन सारे फॉर्मूले को पहले कॉपी में नोट डाउन करिए और उसके बाद याद कर डालिए, उसके बाद ही लिंक बनेगा आपका। क्लियर हो गया बात? ये क्वेश्चन नंबर 1 था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 cos inverse x इक्वल टू cos inverse 4x³
माइनस थ्री एक्स, थ्री कॉस इनवर्स एक्स, ये हमको प्रूफ करना है, प्रूव दैट थ्री कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, एक्स बिलोंग्स टू वन बाई टू टू वन, एक्स बिलोंग्स टू वन बाई टू टू वन, क्लियर। अब देखो फिर से मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आपको पूरा बेसिक फॉर्मूला याद है तो कुछ यहाँ पे फिर से क्लिक करेगा क्या। देखो कॉस थ्री थीटा होता है, कॉस थ्री थीटा इक्वल टू क्या होता है, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको लगेगा कि यहाँ पे फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा अगर होता तो कॉस इनवर्स और कॉस थ्री थीटा कैंसिल हो जाता। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। कॉस इनवर्स कॉस थ्री थीटा आता तो थ्री थीटा आंसर मिल जाता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स को क्या मानना पड़ेगा, कॉस थीटा, एक्स को क्या कंसिडर करना पड़ेगा, कॉस थीटा। कैसे आइडिया लगाइए, फॉर्मूला याद रहेगा तो आइडिया लगेगा, समझ में आ रहा है। ये बेसिक बात है, एकदम इंपॉर्टेंट बात है। अगर फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो आपको ये कभी क्लिक ही नहीं करेगा कि इसको यहाँ से कन्वर्ट करने में, इसको कॉस के टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। सबसे पहला चीज तो आप ये समझो कि बाहर में अगर कॉस इनवर्स है तो अंदर में कॉस लाओगे तभी आपको आंसर मिलेगा, और अगर अंदर में कॉस लाना है तो कैसे करोगे, इसको ये कौन सा फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में है, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ये वाला, इसको यूज करना। मतलब क्या कि एक्स के जगह पे क्या रहना चाहिए, एक्स के जगह पे क्या रहना चाहिए, कॉस थीटा। और अगर ऐसा है तो यहाँ पे पुट करिए आप, पुट एक्स इक्वल टू क्या, कॉस थीटा, पुट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। आरएचएस को कंसिडर करिए, आरएचएस को अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो कॉस इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर कॉस क्यू थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, फोर कॉस क्यू थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। इसको आप क्या लिख पाएंगे, इसको आप लिख पाएंगे कॉस थ्री थीटा, क्या कॉस थ्री थीटा, कहाँ से, यहाँ से, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, कॉस थ्री थीटा हुआ। अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा थ्री थीटा क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा थ्री थीटा, लेकिन यहाँ पे एक्स इक्वल टू कॉस थीटा था तो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू क्या, कॉस इनवर्स एक्स। इसका मतलब ये है कि थ्री कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, जो कि अपने पास क्या है, एल एच एस है, क्लियर हो गया बात। तो इस तरीके से ये भी प्रूफ हो गया कि थ्री कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स होगा। फिर से बताया आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा क्लास इलेवेंथ का, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर टू था। अब क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री जो अपने पास है, वो प्रूफ कर रहा है कि टेन इनवर्स टू बाई इलेवन, टेन इनवर्स टू बाई इलेवन प्लस टेन इनवर्स सेवन बाई ट्वेंटी फोर इक्वल टू टेन इनवर्स वन बाई टू, टेन इनवर्स वन बाई टू। तो टेन इनवर्स टू बाई इलेवन प्लस टेन इनवर्स सेवन बाई ट्वेंटी फोर इक्वल टू टेन इनवर्स वन बाई टू प्रूफ करना है। इसके लिए क्या करोगे, देखो अगर आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला याद है, एक फॉर्मूला है यहाँ पे कि टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी बाई वन माइनस ए बी, ए प्लस बी बाई वन माइनस ए बी। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग एल एच एस को कंसिडर करते हैं तो टेन इनवर्स ए के जगह पे ये हो गया प्लस टेन इनवर्स बी, बी के जगह पे ये हो गया। इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे क्या मिलेगा, देखो टेन इनवर्स ए प्लस बी बाई वन माइनस ए इंटू बी, क्लियर हो गया बात। अब देखो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, टेन इनवर्स इलेवन इंटू ट्वेंटी फोर, इलेवन इंटू ट्वेंटी फोर ये हो गया क्या आपके पास एलसीएम, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो टू इंटू ट्वेंटी फोर माइनस क्या हो जाएगा इलेवन इंटू सेवन, क्लियर। नीचे में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे तो फिर से इलेवन इंटू ट्वेंटी फोर ही हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इलेवन इंटू ट्वेंटी फोर माइनस फोर्टीन। अब ये दोनों हो गए कैंसिल, क्लियर ना, ये दोनों हो गए कैंसिल, बचेगा क्या वो देखते हैं। तो बच रहा है यहाँ पे टेन इनवर्स, टेन इनवर्स ट्वेंटी फोर इंटू टू क्या होता है ट्वेंटी फोर इंटू
टू क्या होता है, तो 24 इंटू टू हो जाएगा 48, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा 48 प्लस 11 इंटू 7 77। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, 11 इंटू 24, तो 24 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 240 और 24, 240 और 24 तो कितना हो जाएगा 264 माइनस कितना 14। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, जब इनको सॉल्व कीजिएगा, ऊपर में सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, इनको जब आप सॉल्व करिएगा तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स 48 और 7 55, ठीक है, देखो 48 और 77 तो कितना हो जाएगा 8 और 7 5 और 4 और 7 कितना 12 और 1 135, ठीक। और यहाँ पे देखिए 4 में से 4 कितना हुआ 0 और ये हो गया 5 और ये हो गया कितना 2, क्लियर हो गया बात। 8 7 हो गया 5 और 4 7 कितना हो गया 11 और 1 12, तो 125 हो गया, और यहाँ पे 125 हो गया और यहाँ पे हो गया कितना 250। इसका मतलब ये हुआ कि tan इनवर्स कितना हो गया, tan इनवर्स 1/2, और tan इनवर्स 1/2 ही तो लाना था, क्लियर हो गया बात। तो बेसिक बात है, कुछ भी नहीं, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो ये tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला यूज कर लो, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, क्लियर हो रहा है बात, ठीक। इस पे भी कुछ वेरिएशन होता है जो कि पूछा जाएगा आपसे, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पे 7/24 दिया हुआ है, यहाँ पे x लिख देगा, समझ आ रहा है, tan इनवर्स x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यही क्वेश्चन मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, अभी एनसीईआरटी खत्म होने के बाद जितना क्वेश्चन झारखंड एकेडमिक काउंसिल झारखंड बोर्ड के एग्जाम में आया है वो क्वेश्चन भी करेंगे, और सीबीएसई में जितना क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन भी करेंगे। तो आपको सारा क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन, इनवर्स से रिलेटेड जितना भी है सबको करेंगे, क्लियर। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, तो क्वेश्चन नेक्स्ट जो अपने पास है, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17, tan इनवर्स 31/17। अब देखो यहाँ पे क्या है बात, अभी अगर ये 2 नहीं होता तो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन हो जाता जो हम लोग पहले करें, यहाँ पे 2 नहीं होता तो, लेकिन इस बार 2 है तो बोलिएगा आप कि अगर 2 है तो क्या करें। आप कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं कि बाहर में अगर कोफिशिएंट रहेगा तो डायरेक्ट जोड़ पाइए, इसको डायरेक्ट ऐड कर पाइए या डायरेक्ट सॉल्व कर पाइए। इसका मतलब ये होता है कि आपको किसी तरीके से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्मेट में, और इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, क्या, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि 2 tan इनवर्स 1/2 को, 2 tan इनवर्स 1/2 को हम लोग इस फॉर्म में ला सकते हैं, देखते हैं क्या होगा। 2 tan इनवर्स 1/2, सुनना, 2 tan इनवर्स 1/2 को लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 बाई 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा गया tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स 1/ ये 4 माइनस 1 3 हो गया, और ये 4 ऊपर चला जाएगा तो tan इनवर्स 4/3, क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख लिए, समझिएगा बात को, अगर यहाँ पे 2 नहीं होता तो डायरेक्ट tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगा लेते, लेकिन अब ये 2 tan इनवर्स 1/2 था, मतलब tan इनवर्स 4/3 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इतना आप नोट कर लीजिएगा उसके बाद। इसका मतलब ये हुआ कि 2 tan इनवर्स 1/2 के जगह पे अब tan इनवर्स 4/3 हो गया, 2 tan इनवर्स 1/2 के जगह पे क्या हो गया, tan इनवर्स 4/3 हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है ये पुराना वाला ही क्वेश्चन है, जैसा पुराना क्वेश्चन इससे पहले का क्वेश्चन करें एकदम सेम टू सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्लियर हो रहा है बात, ये क्लियर हो रहा है। चलो अब देखो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के फॉर्मेट में आ गया क्या, अगर ऐसा है तो tan इनवर्स a मतलब 4/3 प्लस b बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। क्या यूज किया यहाँ पे, यहाँ पे यूज किया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू
इनवर्स ए प्लस बी बाई वन माइनस ए बी, ये यूज किया यहाँ पर। अब इसको सिंपल आपको सॉल्व कर देना है, कुछ नहीं करना। तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, सेवन और थ्री का एलसीएम 21, जब थ्री से सेवन से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 28 प्लस 3। बाकी नीचे में देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम एलसीएम हो जाएगा 21, और ये 21 माइनस 4 मतलब क्या, मतलब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स 31 बाई 21 माइनस 4 कितना हो जाएगा 17, ये दोनों 21 21 कैंसिल आउट। यही दिया आपको क्या, RHS, समझ रहे हो बात आप, यही दिया RHS। मतलब क्वेश्चन सिंपल था, क्वेश्चन में कोई ऐसा बहुत बड़ा बात था नहीं, बट वही क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं दिया गया। यहाँ पे अगर टेन इनवर्स 4 बाई 3 प्लस टेन इनवर्स 1 बाई 7 देता तो डायरेक्ट था, लेकिन यहाँ पे 2 लगाया, वहाँ पे 2 टेन इनवर्स 1 बाई 2। इसका मतलब ये था कि आपको ये समझना चाहिए था कि ऐसा आपके पास कोई टूल नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे कि डायरेक्टली सोल्व कर पाइए। मतलब 2 tan इनवर्स x को आपको इस फॉर्मेट में लाना होता और tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का यूज करते और फिर आपको ये मिलता। क्या ये क्लियर हो गया, चलिए वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास वो ये है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सुनो ध्यान से, जब भी ऐसा कंडीशन हो, मतलब रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए या बाहर में भी आए, ऐसे ए प्लस एक्स स्क्वायर हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x का वैल्यू tan थीटा पुट करना। अब tan थीटा पुट करने से क्या होगा, आप tan थीटा भी पुट कर सकते हो, cot थीटा भी पुट कर सकते हो। tan थीटा पुट करोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि आपको sec स्क्वायर देगा। बोलो समझ में आ गया बात। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में होगा तो x इक्वल टू tan थीटा पुट करना या cot थीटा पुट करना। cot थीटा पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा, समझना बात को। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा दे देगा, रूट है तो खत्म हो जाएगा रूट। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर से यहाँ पे कोसेक थीटा बचेगा, रूट खत्म हो जाएगा। क्लियर हो रहा है बात। और अगर यही, यहाँ पे सुनना, अगर यही ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में होता तो भी आप क्या करते, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा पुट करते। वो क्यों पुट करते, क्योंकि देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर क्या होता है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन हो जाता और बचता क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब समझ रहे हो आप। तो जब भी इस फॉर्मेट में रहे या इस फॉर्मेट में रहे यही पुट करना। क्लियर हो रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो ये पुट करना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में रहेगा, ए क्या है कोई कॉन्स्टेंट 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो ये पुट करना। क्या क्लियर हो गया बात आपको। चलो अगर आपको क्लियर हो गया है तो आपको एकदम आइडिया लग गया होगा यहाँ पे क्या पुट करा जाएगा। देखो अगर यहाँ पे हम चाहते हैं तो tan या cot कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग tan कर रहे हैं। देखो तो tan इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा, tan थीटा। क्लियर। अब सुनो, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, ऊपर में रूट भी है, sec थीटा बचेगा, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। क्या ये क्लियर हो गया आपको, tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। क्लियर ना। अब आगे देखिए, आगे सॉल्व करते हैं इसको। जब आप आगे अगर इसको सॉल्व करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, tan इनवर्स 1 बाई cos थीटा माइनस 1 बाई sin थीटा बाई cos थीटा। क्लियर ना ये। अब देखो इसको क्या कर लो, LCM ले लो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई क्या, कॉस थीटा। ये समझ में आ रहा है, 1 माइनस ये कॉस थीटा यहाँ पे चला गया बाई कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो गया, ये हुआ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये दोनों जो कॉस थीटा है वो कैंसिल आउट हो गया, ये जो दोनों कॉस थीटा था वो कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सुनना, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसको हटा करके उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा।
तो बच क्या गया, टैन इनवर्स, टैन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर हो रहा है बात ये? कैसे? ये देखो, वन माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा, कॉस थीटा कैंसिल आउट। अब सुनो ध्यान से, देखो वन माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये शायद बाहर चला गया होगा ना, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं वन माइनस कॉस टू थीटा जो होता है वो टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। एक ये कहाँ से आएगा, कॉस टू थीटा के फॉर्मूला से, कॉस टू थीटा के फॉर्मूला से आएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो वन माइनस कॉस टू थीटा को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, टू साइन स्क्वायर थीटा। ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, 11th का ही है। दूसरी बात कि अगर साइन टू थीटा रहता, साइन टू थीटा, तो क्या लिखते, टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब सुनो ध्यान से, वन माइनस कॉस टू थीटा रहता तो टू साइन स्क्वायर थीटा लिखते, लेकिन टू नहीं है, तो टू नहीं है तो यहाँ पे थीटा बाई टू लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा कि टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं आप टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। समझ गए, वन माइनस कॉस टू थीटा रहता तो टू साइन स्क्वायर थीटा लिखते, लेकिन यहाँ पे वन माइनस कॉस थीटा ही है, कॉस टू थीटा नहीं है, तो टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा। अब सुनो, साइन टू थीटा रहता ना तो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता, साइन टू थीटा रहता तो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहता। अब देखो ये इसका सब मल्टीपल एंगल लाना पड़ेगा, तो साइन थीटा है ये, साइन टू थीटा नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हैं, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। क्या ये समझ गया बात आप, वन माइनस कॉस टू थीटा रहता तो टू साइन स्क्वायर थीटा लिखते, लेकिन वन माइनस कॉस थीटा है, ठीक है, सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूज होगा, तो टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा। बात कर ले हम लोग नीचे डेनोमिनेटर का, तो यहाँ पे साइन टू थीटा रहता तो टू साइन थीटा बाई तो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता, लेकिन यहाँ पे फिर से साइन थीटा है, तो इसको आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब सुनो, ये स्क्वायर वाला पार्ट और ये वाला पार्ट खत्म, ये और ये खत्म, बचा क्या, बचा यहाँ पे टैन इनवर्स टैन थीटा बाई टू, टैन इनवर्स टैन थीटा बाई टू। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बच गया आपके पास थीटा बाई टू, टैन इनवर्स टैन ये थीटा बाई टू दे देगा। अब सुनो, आप एक्स इक्वल टू क्या पुट किए थे, एक्स इक्वल टू पुट करे थे, एक्स इक्वल टू टैन थीटा पुट किए थे, एक्स इक्वल टू टैन थीटा पुट किए, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स एक्स, मतलब यहाँ पे आप लिखिएगा वन बाई टू टैन इनवर्स एक्स, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर हो गया बात, क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है, क्लियर अगर नहीं हुआ होगा तो आप फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा, और फिर भी क्लियर नहीं हो तो बिल्कुल आप जो आपको बताया गया प्रोसेस डाउट पूछने का उसको ऑप्ट करिएगा, डाउट को क्लियर किया जाएगा। लेकिन उम्मीद करते कि इतने धीरे और इतने आसान तरीके से बताया गया है कि आराम से समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास वो है टेन इनवर्स वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन को सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखना है। टेन इनवर्स वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन को सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखना है। सुनना ध्यान से, अभी आपको क्या बताया कि अगर वन प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में रहता तो x इक्वल टू क्या पुट करते, टेन थीटा पुट करते। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में रहता तो x इक्वल टू क्या पुट करते, ए टेन थीटा पुट करते। और गलती से भी इसको रटने का कोशिश मत कीजिएगा, थोड़ा सा भी अगर आप समझिएगा तो तुरंत याद हो जाएगा। क्या देखो, x इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दोगे तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, है ना। और अगर यहाँ पे x इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करोगे तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर हो जाएगा कॉमन, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा विच विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर ना, तो इस फॉर्मेट में आए तो ऐसे पुट करना। लेकिन इस बार देखो यहाँ पे कुछ और है, सुनना ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस वन है, अगर हम लोग एक्स इक्वल टू, सुनना, अगर हम लोग एक्स इक्वल टू क्या पुट कर दें, साइन थीटा तो पुट कर नहीं सकते, सेक थीटा पुट करेंगे। अब साइन थीटा क्यों नहीं कर सकते, हमको कैसे समझ में आया, सुनना ध्यान से, अगर सेक स्क्वायर थीटा रहेगा, क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सुनना, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन रहेगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वन। समझ रहे हो बात आप,
तो एक्स स्क्वायर माइनस वन रहेगा, और एक्स की जगह पे अगर सेक थीटा पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या दे देगा, टेन स्क्वायर थीटा दे देगा। बोलो क्लियर हो गया बात, ये क्लियर हुआ कि नहीं। तो जब भी ऐसा कंडीशन रहे तो चाहे एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट करना, सॉरी एक्स इक्वल टू सेक थीटा पुट करना, या एक्स इक्वल टू कोसेक थीटा पुट करना, एक्स इक्वल टू सेक थीटा पुट करना या एक्स इक्वल टू कोसेक थीटा पुट करना, इस फॉर्मेट में रहे तब, या हो सकता है कि इसका दूसरा फॉर्मेट में हो जो कि अभी हम लोग डिस्कस करें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस फोर हो, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन हो, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन हो, तो आप क्या करोगे, तो आप पुट करोगे एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा। अब आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा कि सर सेक थीटा की कोसेक थीटा, सेक थीटा की कोसेक थीटा किसको, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा जो आपका रिक्वायरमेंट होगा उसको। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, सुनना ध्यान से। मान लो हम लोग सबसे पहले लिखे हैं एक्स इक्वल टू क्या, यहाँ पे ये वाले फॉर्मेट में, तो सेक थीटा या कोसेक थीटा कुछ भी पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम लोग सेक थीटा पुट कर दिए, अगर सेक थीटा पुट कर दिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, टेन थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और ये रूट हटेगा तो टेन थीटा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, समझे आप। इसका मतलब ये कि हम आराम से अगर इसको कोसेक थीटा पुट कर दें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, रूट हटेगा कॉट थीटा, ऊपर जाएगा टेन थीटा, डायरेक्ट हमको मिल जाएगा थीटा, समझ में आया बात। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे पुट एक्स इक्वल टू कोसेक थीटा। आपके पास दोनों ऑप्शन है, सेक थीटा पुट करिए, कोसेक थीटा पुट करिए। देख लीजिए सबसे आसान फॉर्मेट में किस में जाएगा, जब हम एक्स इक्वल टू कोसेक थीटा पुट करें तो देखो क्या हो रहा है, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा है। देखो कैसे, यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब ये क्या हुआ, ये हो जाएगा टेन इनवर्स कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, मतलब क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन रूट में है तो रूट ही में रखना। अब जब रूट को बाहर हटाओगे तो क्या बचेगा, रूट को जब बाहर हटाओगे तो बचेगा कॉट थीटा, लेकिन ये है वन बाई कॉट थीटा। इसका मतलब ये कि टेन इनवर्स ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, समझ रहे बात आप। मतलब ये कि यहाँ पे बचेगा थीटा, और थीटा के जगह पे थीटा को आप माने क्या थे, देखो थीटा एक्स इक्वल टू कोसेक थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स। तो थीटा इक्वल टू हो गया आपके पास कोसेक इनवर्स एक्स, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, सुनना ध्यान से, ये अपना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, सारा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होगा, फॉर्मूला बेस्ड इन द सेंस 11th क्लास का फॉर्मूला आपको पूरा पता होना चाहिए, समझ गए, 11th क्लास का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए तभी जाकर के आप लिंक कर पाइएगा। तो आराम से जाइए और 11th में जितना भी सब फॉर्मूला है उसको एक पेज पे लिखिए, मतलब नोट्स कॉपी में लिख लीजिए जहाँ से आप इनवर्स स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से, और उसको डेली देखते रहिए। इससे क्या होगा, इससे वो फॉर्मूला पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना तो आप उससे लिंक कर पाइएगा कि क्या पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, उससे आगे का प्रोसेस क्या होगा, ये सारा इंटरलिंकेज है, ठीक है। अगर मान लो आपको कुछ स्ट्राइक ही नहीं करना है कि क्या करना है तो सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है और थोड़ा बेसिक आइडिया है इनवर्स का तो एकदम बनेगा क्वेश्चन, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि फिर से हमको सिंप्लीफाई ही करना है, और ये है टेन इनवर्स वन माइनस कॉस एक्स बाई वन प्लस कॉस एक्स, टेन इनवर्स वन माइनस कॉस एक्स बाई वन प्लस कॉस एक्स, एक्स इज लेस देन पाई, एक्स इज लेस देन पाई, समझना ध्यान से, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। चलिए हम लोग सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। अभी आपको क्या बताया था, अभी बताया था कि वन माइनस कॉस टू एक्स होता है टू साइन स्क्वायर एक्स, टू साइन स्क्वायर एक्स, और वन प्लस कॉस टू एक्स क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स। अगर इसी को वन माइनस कॉस टू एक्स नहीं रख करके वन माइनस कॉस एक्स रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। सिमिलरली अगर वन प्लस कॉस टू एक्स के जगह पे वन प्लस कॉस एक्स रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, सब मल्टीपल लेंगे, ये भी इलेवेंथ का ही बात है, ध्यान रखना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो टेन इनवर्स वन माइनस कॉस एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख लेंगे, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू,
फिर 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख लेंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट। अब देखो सुनो, tan इनवर्स ये क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई टू। जब रूट को हटाओगे तो क्या बनेगा, tan एक्स बाई टू, मतलब tan इनवर्स tan एक्स बाई टू क्या दे देगा, एक्स बाई टू। अब x को क्या माने थे, x को हम लोग यहाँ पे कुछ माने क्या, नहीं माने, क्लियर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बाई टू ही हो जाएगा, क्लियर हो गया बात। तो हमारा आंसर जो होगा वो x बाई टू हो जाएगा, क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि देखिए tan इनवर्स, ये सारे क्वेश्चन को आप रिवाइज करते रहिएगा, मतलब देखिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा होगा तो बिल्कुल बताइएगा, हालांकि इतने सिंपल तरीके से बताया जा रहा है कि बिल्कुल आएगा ही। tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x। अब फिर से देखो, फिर से बात है कि ये क्लास 11 का फॉर्मूला पे ही आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं tan इनवर्स है, किसी तरीके से उसको tan में लाना पड़ेगा तभी बात बनेगा, ये चीज आप समझिए। और अगर आप tan में लाना चाहते हैं तो क्या करिएगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए cos x से। आपको लग रहा होगा कि सर उससे क्या होगा, ये जब cos x से डिवाइड कीजिएगा तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा tan x, तो 1 माइनस tan x और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan x। अब अगर आपको याद है क्लास 11 का फॉर्मूला, tan पाई बाई 4 माइनस x यही होता है, समझ आ रहा है बात ये। चलो देखो कैसे करते हैं, जब आप दोनों साइड को मतलब दोनों न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिए cos x से, एक लाइन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे समझिएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan x, क्या किए cos x से डिवाइड किए, तो cos x बाई cos x 1 माइनस sin x बाई cos x क्या हो गया, tan x, क्लियर हो गया। अब cos x से इसको भी डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 cos x बाई cos x 1 प्लस sin x बाई cos x क्या हो जाएगा, 1, क्लियर। अब ये हो जाएगा 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x। अगर आपको याद है तो tan पाई बाई 4 माइनस x इक्वल टू क्या होता है, मतलब tan a माइनस tan b के फॉर्मूला में बता रहे हैं आपको, इससे पहले हम tan a माइनस tan b लिख देते हैं। tan a माइनस tan a माइनस अगर हम लोग बात करें b, तो क्या होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b होता है, क्लियर हो रहा है बात। tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। अगर आप इसी को tan पाई बाई 4 माइनस x लिखें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan x। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मिलेगा क्या आपको, 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x, समझ रहे हो बात आप, 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x मिलेगा। तो क्या आप tan पाई बाई 4 माइनस x को ये लिख सकते हो, tan पाई बाई 4 माइनस x को ये लिख सकते हो आप, तो क्या इसको हम लोग ये नहीं लिख सकते, समझ गए बात आप। तो यहाँ पे हमारे पास यही तो है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, tan पाई बाई 4 माइनस x, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो tan इनवर्स tan x क्या होता है, x हो जाता है, तो पाई बाई 4 माइनस x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस x, यही हो जाएगा हमारा आंसर, क्लियर हो गया बात, पाई बाई 4 माइनस x, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, देखिए ये हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर है, एक्सरसाइज 2.2, और एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूरा आइडिया लग गया तो यहाँ से आप 3 नंबर का एक क्वेश्चन बुक कर लिए। एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है जिसमें कि हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनता है, मीडियम साइज का क्वेश्चन, और बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा
एफर्ट लगाते हैं तो यहाँ से पूरा का पूरा क्वेश्चन का पूरा का पूरा मार्क्स निकलेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैन इनवर्स एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हुआ मॉड एक्स इज लेस देन ए। समझना ध्यान से, टैन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको क्या क्या बात बता दिया, आपको बताया अभी तक। अब हम लोग ए के टर्म लिख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या पुट करोगे, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा या जो भी पुट करना है, ठीक है। एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा या कॉट थीटा भी पुट कर सकते हो, एक लिख रहे हैं, समझना ध्यान से। उसके बाद क्या बताया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या पुट करोगे, ए सेक थीटा या कोसेक थीटा, समझना ध्यान से। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो एक्स इक्वल टू चाहे ए साइन थीटा चाहे ए कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू चाहे ए साइन थीटा चाहे ए कॉस थीटा पुट करना। और इससे क्या हो जाएगा, देखो इससे होगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करोगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर हो जाएगा कॉमन और यहाँ पे बनेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इससे क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है बात, तो आप इसको एकदम जनरलाइज करके रख लीजिए, समझ गए, इसको जनरलाइज करके रख लीजिए। अगर ए के जगह पे वन रहेगा तो यहाँ पे भी वन रख देना, ए के जगह पे जैसे यहाँ पे फोर है तो यहाँ पे टू लगा देना, नाइन रहेगा तो यहाँ पे थ्री लगा देना, सिक्सटीन रहेगा तो फोर लगा देना। समझ में आ रहा है बात। और एक और बात बताएं कि यहाँ पे x इक्वल टू ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा भी लिख सकते हो, ध्यान रखना। ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा भी लिख सकते हो, ध्यान रखना। x इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कोसेक थीटा भी लिख सकते हो, ये भी ध्यान रखना। क्या ये क्लियर हो गया आपको, ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो टेन इनवर्स क्या करते हैं हम लोग, देखो x इक्वल टू पुट करते हैं ए साइन थीटा। अब आप कहिए सर कॉस थीटा क्यों नहीं, क्योंकि कॉस थीटा पुट करेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा बनेगा और ये वाला साइन थीटा बन जाएगा, कॉट बनेगा, हमको टेन लाना है, ठीक है। हालांकि उसको भी सॉल्व किया जा सकता है, बट हम लोग एकदम आसान तरीके से जाते हैं और x इक्वल टू पुट करते हैं ए साइन थीटा। तो x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ए साइन थीटा बाई, देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये समझ में आ गया बात आपको, इससे क्या बनेगा, इससे देखो बनता है अपने पास टेन इनवर्स ए साइन थीटा बाई रूट अंडर ए स्क्वायर को बाहर निकाल लोगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा, ये ए स्क्वायर बाहर आकर के बन गया ए, और ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन किस में, रूट में, रूट को जब हटाओगे तो क्या बनेगा कॉस थीटा। जल्दी हो गया, फिर से सुन लो, ए साइन थीटा हुआ ये, ठीक। ये जब ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर को बाहर निकाला ए बन गया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में क्या बना कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बना रूट में कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे ही इसको बाहर निकाले क्या बना कॉस थीटा, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो टेन इनवर्स क्या बन गया, टेन इनवर्स टेन थीटा, क्या बना टेन इनवर्स टेन थीटा, और टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होता है, ये होता है थीटा। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा थीटा, लेकिन आपने थीटा को कुछ माना हुआ था, थीटा को क्या माना था, देखो थीटा को क्या माना था, थीटा आया अपने पास एक्स इक्वल टू, हम लोग क्या माने थे, एक्स इक्वल टू माने थे हम लोग ए साइन थीटा, एक्स इक्वल टू माने थे ए साइन थीटा, मतलब साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाई ए, एक्स बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, मतलब क्या कि थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो हमारा आंसर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। बोलो क्लियर हुआ बात ये, तो ये हो जाएगा आंसर। फिर से बताया आपको, यहाँ पे हर जगह पुट करने वाला ही मेथड आ रहा है और ये वाला पार्ट एकदम इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो आप, ये जो टेबल बना हुआ है ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही आपको आइडिया दे देगा, अच्छा खासा आइडिया दे देगा कि आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर हो रहा है बात, अगर आपको ये आइडिया है और फॉर्मूला का आइडिया है तो बिल्कुल क्वेश्चन निकलना ही है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास,
वो है क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है सुनना ध्यान से। ये है टैन इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब बाई ए क्यूब माइनस 3ax² कंडीशन भी कुछ गिवन है। कंडीशन क्या है कि a इज ग्रेटर देन जीरो है अपने पास। सेकंड है कि माइनस ए बाई रूट थ्री से a बाई रूट थ्री तक है ये। चलो माइनस ए बाई रूट थ्री से a बाई रूट थ्री तक हमारा x का वैल्यू है। सुनो ध्यान से, देखो ये अपने को प्रूफ करना है, सिंप्लीफाई करना है कि कितना, किस सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसको ला सकते हैं। सुनो ध्यान से, देखो tan इनवर्स है बाहर, अंदर में tan इनवर्स लाएंगे तो एकदम सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? बाहर में tan इनवर्स है, अंदर में tan लाएंगे, सॉरी ठीक है tan लाएंगे। अगर tan लाना है अंदर में, क्या पुट करें कि tan आ जाए? सुनना ध्यान से, अगर आप x इक्वल टू tan थीटा पुट करते हो तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर tan थीटा, और यहाँ पे ए क्यूब tan थीटा हो जाएगा। तो स्क्वायर और क्यूब, एक ए बची जाएगा, यहाँ पे क्यूब और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्यूब, काम नहीं बनेगा। क्या करो, सुनो ध्यान से, देखो पुट कर लो, पुट x इक्वल टू ए tan थीटा, पुट करो x इक्वल टू ए tan थीटा, उससे क्या होगा, देखो यहाँ पे 3a³ tan थीटा, यहाँ पे भी a³ को कर लेंगे बाहर। समझ आ रहा है? देखो कैसे, tan इनवर्स 3a³ tan थीटा, जब पुट करे तो हुआ क्या, 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan क्यूब थीटा। ये समझ गए बात आप? ये समझ गए नहीं समझ गए? 3a³ tan थीटा, क्यों? क्योंकि x के जगह पे a tan थीटा पुट कर दिया, माइनस a³ tan थीटा, x इक्वल टू a tan थीटा पुट किया तो उसका क्यूब किया, a³ tan क्यूब थीटा। नीचे आ जाओ, देखो a³ का a³ ही रह गया, माइनस 3a और a² tan स्क्वायर थीटा। समझ गया बात आप? तो इससे क्या बनेगा, यहाँ पे भी बन गया क्या, a³ ही बन गया। तो इसको हटा करके हम लोग लिख लेते हैं a³। एक और बात सुनिए, a³ क्या हम लोग सबको कॉमन लेकर के इसको कैंसिल कर सकते हैं? चलो इसको कैंसिल कर दिया। सुनना ध्यान से, जब ये कैंसिल हो गया तो अब अपने पास बचा क्या, अब अपने पास जो बच रहा है वो देखो, अपने पास बच रहा है ये कि tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्या बच रहा है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब फिर से अगर आपको फॉर्मूला याद है तो तुरंत स्ट्राइक करेगा कि सर इसमें बात ही क्या है, ये तो हो गया आपके पास tan 3 थीटा का फॉर्मूला। और हम भी कहेंगे कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो tan इनवर्स tan 3 थीटा क्या हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा। और अगर ये 3 थीटा हो गया तो थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हो आप, tan इनवर्स x बाई ए। देखो एक्स बाई ए इक्वल टू टेन थीटा होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो 3 tan इनवर्स x बाई ए। बोलो क्या ये समझ में आ गया आपको, 3 tan इनवर्स x बाई ए। क्या किया भाई, यहाँ पर एक्स बाई ए इक्वल टू कर दिया टेन थीटा, और ये थीटा को इधर रखा, उधर में चला गया, तो क्या बच जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, और इसी को यहाँ पे यूज किया। बताइए क्या आपको ये समझ में आ गया, ये समझ में आया कि नहीं आया, आप ये बताइए। क्लियर? वेरी गुड। चलो ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इतने क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको आइडिया लगने लगा होगा कि किस किस चीज़ का जरूरत है। जैसा कि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, क्लास 11 का फॉर्मूला पूरा ट्रिगोनोमेट्री वाला, और उसके बाद इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक आइडिया, इतना अगर है तो आपसे क्वेश्चन बनना ही बनना है। क्या ये क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सुनना ध्यान से, देखो 11 नंबर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं, बार बार बताया, और इसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक अभी हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स
टू कॉस टू साइन इनवर्स वन बाई टू, टू साइन इनवर्स वन बाई टू, टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स वन बाई टू। ये ना बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ लो। एक और बात बताते हैं आपको, इसमें ना कई बार ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि यहाँ पे कहीं पे कुछ नहीं दिया रहेगा, एक्स बना दिया जाएगा और इक्वल टू कुछ भी पाई बाई टू पाई कुछ भी, और आपसे वैल्यू पूछ लेगा, समझ रहे हो बात आप। तो ऐसा क्वेश्चन भी बनता है। फिलहाल इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो साइन इनवर्स वन बाई टू का वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा, सुनना ध्यान से। साइन इनवर्स वन बाई टू क्या होता है, मतलब आपसे अगर हम पूछे ऐसे कि साइन के किस वैल्यू के लिए वन बाई टू होता है, तो 30 डिग्री के लिए होता है। 30 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई बाई सिक्स। तो क्या आप साइन इनवर्स वन बाई टू को पाई बाई सिक्स नहीं लिख सकते, इसको लिख लिए पाई बाई सिक्स। जैसे ही इसको पाई बाई सिक्स लिखे, मल्टीप्लाई में है ये और ये कटेगा, बचेगा क्या, पाई बाई थ्री। मतलब यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा पाई बाई थ्री। क्लियर हो गया। अब पाई बाई थ्री क्या, टू कॉस पाई बाई थ्री, कॉस पाई बाई थ्री मतलब कॉस सिक्सटी, और कॉस सिक्सटी का वैल्यू कितना होता है वन बाई टू। कॉस सिक्सटी का वैल्यू कितना होता है, तो वन बाई टू। यहाँ से आप इन सारी चीज़ों को हटा करके लिख सकते हो वन बाई टू, और ये टू कट गया, बचा टेन इनवर्स वन, और टेन इनवर्स वन क्या होता है पाई बाई फोर। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा पाई बाई फोर, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है अपने पास वो क्या है, cot, फाइंड करना अपने को वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए, tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए। तो अपने को क्या करना है, tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए का वैल्यू फाइंड करना है। सुनना ध्यान से, cot ही है, हाँ cot ही है, सुनो tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए क्या होता है, tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए जो होता है वो पाई बाई टू होता है। इसका मतलब ये है कि जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको आप हटा करके क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, cot पाई बाई टू, और cot पाई बाई टू क्या होता है, cot पाई बाई टू होता है जीरो। क्लियर हो गया बात, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आज हम लोग क्वेश्चन 12 नंबर ही तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में पूरे इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे, उसके बाद फिर मिसलेनियस का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर झारखंड बोर्ड में जितने क्वेश्चन आया हुआ है उनको, सीबीएसई में जितने क्वेश्चन आया हुआ है उनको, ठीक है। तो बेहतरीन ढंग का करेंगे, मतलब कोई भी किसी तरीके का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका यहाँ से, क्लियर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा, क्लियर। जो जो आपको स्टेप बताया उसको फॉलो करते रहिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।